सो गाइस सबसे पहले आपको बॉइल्ड वाटर लेना है, उसके बाद गाइस आपको क्विक लाइम लेना है जिसे चूना भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कोई सा भी वॉशिंग पाउडर ले लेना है, मैंने सर्फ एक्सल लिया है। उसके बाद गाइस आपको कोई सा भी टूथपेस्ट ले लेना है, मैंने दंतकांति लिया है। आप कोलगेट भी ले सकते हैं, सेंसोडाइन भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद गाइस आपको जो बॉइल्ड वाटर है उसमें आपको जो आपका मोबाइल का केज है, उस मोबाइल का बैक कवर है, उसको बॉइल्ड वाटर में 10 से 15 मिनट तक भिगो देना है। भिगोने के बाद उसको अच्छी तरह से उसमें भिगो देना है। उसके बाद आपको निकालना है। निकालने के बाद गाइस आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो आपका क्विक लाइम है, जो आपका चूना है उसको, और जो आपका वॉशिंग पाउडर है, इन दोनों को आपस में अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपको अपने मोबाइल के बैक कवर पे अच्छी तरह से रगड़ के साफ करना है, ठीक है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जो मैं बैक कवर को साफ कर रहा हूँ, कुछ इस तरह से आपको अच्छी तरह से मिक्स करके क्विक लाइम को और वॉशिंग पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स करके साफ करना है गाइस। तो गाइस साफ करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा थोड़ा साफ हो चुका है, मैं बीच में ही साफ कर रहा हूँ आपको जल्दी जल्दी दिखाने के लिए कि मैं ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने, इसलिए मैं बीच में ही साफ कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा साफ हो चुका है, तो मैं आपको इसको पानी में अच्छी तरह से, गर्म पानी में मैं अच्छी तरह से इसको धुल के दिखा देता हूँ आपको कि कैसा हुआ है। तो गाइस आप देख सकते हैं जो बीच में है वो थोड़ा सा अच्छी तरह साफ हो चुका है, वो ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। पहले जो था वो बहुत येलो था, लेकिन गाइस अब देखेंगे तो ये बीच में थोड़ा आपको वाइट दिखेगा, मतलब ट्रांसपेरेंट दिखेगा। तो गाइस ऐसे कर सकते हैं गाइस। तो गाइस अब जो करना है आपको वो टूथपेस्ट इसमें लगा के अच्छी तरह से साफ करना है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको करना है, तो ये सब साइड में रख देते हैं गाइस। तो गाइस उसके बाद आपको जो आपका टूथपेस्ट है, कोई सा आप टूथपेस्ट ले सकते हैं, आप मैंने दंतकांति लिए, आप कोलगेट भी ले सकते हैं, सेंसोडाइन भी ले सकते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं गाइस। कोलगेट बहुत ही अच्छा रहेगा तो कोलगेट लीजिएगा, ठीक है गाइस। तो आपको ऐसे लगा के उसके बाद आपको कोई सा ब्रश ले लें, तो मैं ये ब्रश लिया। उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा पानी लगा के इस पे आपके बैक कवर को उस पे रगड़ना है अच्छी तरह से, जो आपका टूथपेस्ट है, ठीक है। तो जैसा मैं आप जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, वैसे ही आपको ठीक उसी तरह से आपको रगड़ना है, अच्छी तरह से रगड़ के साफ करना है गाइस। आप इधर मतलब आप अच्छी तरह से साफ कर लीजिएगा, मैं बस बीच में ही कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि ऐसे आप साफ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, आप ये साफ मैं साफ करके धुल के दिखाता हूँ गाइस ये कैसा हुआ है। तो मैं गाइस मैं अब इसे धुल देता हूँ, धुलने के बाद आपको दिखाऊंगा इसकी कैसी पहले कैसा था और अब कैसा हो गया गाइस। तो गाइस अब मैं धुल लेता हूँ इसे, अच्छी तरह से धुल लेना है आपको। तो गाइस धुलने के बाद गाइस आप देख सकते हैं बीच में कितनी अच्छी तरह से साफ हो चुका है, जो किनारे किनारे थोड़ा सा रह गया है, क्योंकि मैं गाइस किनारे किनारे साफ नहीं किया हूँ, बीच में साफ किया हूँ। तो गाइस ऐसे कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा गाइस, और सब्सक्राइब करना भूलिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ।